तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्निकल मणिकांत में। मैं मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल मणिकांत। तो दोस्तों भाई रोजना की तरह आज हमारे नए टॉपिक के ऊपर आज हम बात करें, जबरदस्त एक नए टॉपिक ऊपर। दोस्तों आज सबसे पहले हम टॉपिक का नाम बता देना चाहेंगे दोस्तों, टिकटॉक। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है दोस्तों टिकटॉक पे किसी भी वीडियो के ऊपर अपना वीडियो कैसे लाए। यानी कि आप तो बहुत सारे वीडियो टिकटॉक पे देखे होंगे, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो आप जरूर ही किसी वीडियो को देखे होंगे, किसी लड़की के वीडियो पे आप अपना वीडियो लगा के एक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उस लड़की के वीडियो के ऊपर में अपना वीडियो कैसे लगाएं, तो दोस्तों इसी का हम पूरा डिटेल बताएंगे और फीचर बताएंगे कि किस तरह भी आप अपने वीडियो को भी इस तरह से एडिट करके टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अपना से इस वीडियो को किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला टिप्स हम समझा देते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यानी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइंड मास्टर। तो दोस्तों काइंड मास्टर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप दोस्तों आपको जो है मेन टिप्स समझिए, मेन टिप्स आप जिस वीडियो को यानी कि जिस भी अपना वीडियो को किसी दूसरे वीडियो के ऊपर में लगाना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले उस वीडियो अपना वीडियो को क्या कीजिए, ग्रीन स्क्रीन यानी कि बैकग्राउंड में कोई ग्रीन पर्दा लगा दीजिए, जिस तरह के देख सकते हैं दोस्तों ये पर्दा। ठीक है, ये है ग्रीन पर्दा, इस तरह का पर्दा आप पीछे में लगा के और उस वीडियो को एक्टिंग कीजिए, उस वीडियो को शूट कीजिए और जिस तरह का गाना है उस तरह का एक्टिंग कीजिए आप। फिर उसके बाद दोस्तों उसी जिस वीडियो के ऊपर अपना वीडियो लगाना चाहते हैं तो उसे काइंड मास्टर में आके आप क्रोमा की के अनुसार एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल बताएंगे, ये मत समझिए मैंने बोल दिया तो हो गया। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल और पूरा प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ किस तरह अपना वीडियो को दूसरे वीडियो यानी किसी दूसरे वीडियो के ऊपर अपना वीडियो को लगा सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो ध्यान दीजिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे बिना स्क्रिप्ट के शुरू से देखिए वीडियो को। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको वो एप्लीकेशन खोल लेना है जिस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से काइंड मास्टर को अपलोड कर लेना है, यानी कि वीडियो को काइंड मास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ये है मेरा काइंड मास्टर, हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है। देखिए अगर आपको टिकटॉक वाले वीडियो को बनाना है उस तरह का, किसी दूसरे वीडियो के ऊपर अपना वीडियो लगाना है, तो आपको ये 9/16 है ना, इसे आपको इस साइज को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये साइज को ले लिया मैंने। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो के ऊपर में आप अपना वीडियो को देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ले लेता हूँ ये अपना वीडियो, ये है दोस्तों मेरा वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर में हमें जो वीडियो लगाना है अब उस वीडियो को लेंगे, बट पीछे में बैकग्राउंड में आप ग्रीन स्क्रीन से शूट किया हुआ वीडियो होना चाहिए। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को ले लेते हैं, इसका पहले आवाज़ हम साइलेंट कर देते हैं। देखिए अब लेयर में जाना होगा, लेयर में जाके मीडिया प्लेयर में जाके देखिए वो मैंने वीडियो शूट किया होंगे, एक सेकेंड, ये है मेरा वीडियो ग्रीन स्क्रीन वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आगे मेरा वीडियो, इसे हम पहले क्रॉपिंग कर लेते हैं ऊपर वाला भाग, जहाँ तक ग्रीन है वहीं से हमको वीडियो लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ सिंपली आपको क्रोमा में चले जाना है और यहाँ पे इनेबल का साइन आएगा, इनेबल करके यहाँ पे मैचिंग करवा देना है कलर का। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से यहाँ आप मैचिंग कर सकते हैं, इस तरह से एडिटिंग करना पड़ता है, इस तरह से थोड़ा रंग को मैचिंग करने में थोड़ा दोस्तों टाइम लग सकता है, एक मिनट दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो इतना ज़बरदस्त की तरीके से फिट हो गया है। तो दोस्तों अब देखिए हम चला के आपको दिखाते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से उस पुराने वीडियो के ऊपर हम अपना वीडियो मैंने सेट कर लिया। दोस्तों इस तरह से आप अपना वीडियो को सेट कर सकते हैं, ये देखिए मैंने सेट कर दिया, बट इससे पहले आपको अपना बैकग्राउंड में आपका ग्रीन पर्दा रहना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं और आराम से यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है आपको, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ।
तो दोस्तों एक्सपोर्ट भी हो गया है, चलिए अब चलते हैं टिकटॉक पे, आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ हमें दिखाना है ना। तो दोस्तों पहले हम अपना आवाज़ को कर लेते हैं साइलेंट। अब देखिए दोस्तों ये है मेरा टिकटॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस भी वीडियो को डालेंगे तो उस वीडियो को हम सबसे पहले उठा लेंगे। ये है दोस्तों अपलोड, और यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिए कितना ज़बरदस्त और एट्रैक्टिव वीडियो लग रहा है दोस्तों, कितना लग रहा है। किसी दूसरे वीडियो के ऊपर अपना वीडियो को इस तरह से एडिट किया जाता है। नेक्स्ट करके इसे फिर से हम इसे फिर भी फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरा वीडियो अपलोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं, बना के अपने किसी दूसरे वीडियो के ऊपर अपना वीडियो को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो अपलोडिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, भगवान के आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।